ठेका प्रथा समाप्त करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद भी शासनादेश जारी न होने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। नगर निगम परिसर में प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पिछले दिनों 9 दिन का कार्य बहिष्कार किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री से वार्ता कर आंदोलन समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर भी शासनादेश जारी नहीं किया गया। सफाई कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार के बाद पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। जो पिछले दिनों 9 दिन कार्य बहिष्कार चला था, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी। वार्ता होने के बाद में हमने आंदोलन स्थगित कर दिया था। स्थगित करने के बाद भी सरकार द्वारा कोई भी शासन आदेश जारी नहीं हुए, उसी संदर्भ में अब हमने 3 दिन का कार्य बहिष्कार रखा। और 3 दिन का कार्य बहिष्कार करने के बाद हम एक डेट निश्चित कर रहे हैं पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों से अपने बात करके कि माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे, और घेराव करने के बाद में वहीं से आंदोलन की घोषणा कर देंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो होगी प्रदेश सरकार की होगी।